बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे सीईओ एजुकेशन ऑफिस रहीमा खान में आग भड़क उठी। रेस्क्यू काम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। तमाम रिकॉर्ड जलकर खाकस्तर हो चुके हैं। रेस्क्यू अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ है। अपडेट करें आपको, रहीमा खान के सीईओ एजुकेशन दफ्तर में आग लग गई है। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। तमाम रिकॉर्ड जलकर खाकस्तर हो चुका है। अमला आग पाने में मसरूफ, आग पर काबू पाने में मसरूफ है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से, आम खबर से अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं रहीमा खान से। आपको खबर दे रहे हैं सीईओ एजुकेशन ऑफिस रहीमा खान में आग भड़क उठी है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है आमिर भट्टी ने, मजीद उनसे तफसीलात जानेंगे। बिल्कुल, रहीमा खान का सी एजुकेशन ऑफिस, ये वो ऑफिस है जिसमें जिले भर के सरकारी जो 2780 के करीब स्कूल है उनके तमाम डॉक्यूमेंटेशन और कीमती जो कागजात होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, वो इस दफ्तर में मौजूद होते हैं। और इसी दफ्तर के अंडर जो है दो डीओज भी होते हैं और उसके बाद जो है फिर तहसीलों के जो डिप्टी डीओज होते हैं उनका भी तमाम सा रिकॉर्ड जो होते हैं, फाइनल जो फाइलिंग होती हैं वो यहीं पे मौजूद होती हैं। इस ऑफिस में अचानक जो है आग भड़क उठी और आग ने जो है पूरे दफ्तर को अपनी लपेट में ले लिया। जराए के मुताबिक जो चौकीदार ड्यूटी पर रात के वक्त मामूद था, जब उसने भड़कती आग के शोले देखे तो उसने रेस्क्यूअर को कॉल किया। रेस्क्यूअर ने फौरी एमरजेंसी कॉल पे बरवक्त रिस्पॉन्स किया और फिर आग पे कंट्रोल पाने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो शुरू कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो एक घंटे से जायद वक्त तक रहा और इस वक्त की रेस्क्यू जराए के अपडेट्स के मुताबिक जो आग पर कंट्रोल पाने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें रेस्क्यूअर कामयाब हो चुके हैं और ऑपरेशन जो है मुकम्मल हो चुका है। आग लगने की वजहात में रेस्क्यूअर्स का कहना है कि शॉर्ट सर्किट के बायस ये आग लगी है, जिसके बायस जो है पूरा जो दफ्तर है उस दफ्तर के तमाम तर जो कमरे हैं उसमें आग ने उन तमाम कमरों को अपनी लपेट में लिया है और उसमें तमाम तर जो कीमती डॉक्यूमेंट थे, तमाम तर जो फाइलें थी वो भी जलकर खाकस्तर हो गई हैं। जी आमिर गोगोई, बहुत शुक्रिया आपका। मोटरवे पुलिस शाहराहों को महफूज तर बनाने के लिए मुतहरिक। हादसात में मुलविस ट्रांसपोर्ट कंपनियों का मोटरवे पर दाखिला बंद करने का फैसला। ऑयल टैंकर में डैशबोर्ड कैमरा और सेंसर रेडार नस्ब करवाने का भी हुक्म। डीआईजी मोटरवे मोहम्मद सलीम की ऑयल टैंकर कंपनियों के नुमाइंदगान से मीटिंग। इस मौके पर डीआईजी मोटरवे मोहम्मद सलीम का कहना था कि जदीद आलात के नस्ब होने से हादसात की रोकथाम में मदद मिलेगी। पंजाब हुकूमत तालीम के फरोग के लिए कोशां। तालीम और प्रोग्राम के तहत 14 जिला में फंड जारी। आफ्टरनून स्कूलों के लिए 41 करोड़ के फंड जारी किए गए हैं। प्राइमरी और मिडिल सतह पर 1000 स्कूलों को चलाया जा रहा है। मस्कूरा जिला में सिरगोदा, मुल्तान, खानेवाल शामिल हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन का स्कूल सरबराहान को फंड जारी करने का हुक्म है। उर्द शरीफ साहब को खबर देंगे, महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। एक दिन में चीनी के 50 किलो के थैले में कीमत में 500 रुपए का इजाफा हो गया। मार्केट में चीनी 125 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। मजीद अपडेट करेंगे अपनी रिपोर्ट में सजाद हुसैन। उर्द शरीफ में महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं आ रहा। 50 किलो चीनी के थैले की कीमत में 500 रुपए का इजाफा, चीनी की परचून कीमत भी 5 रुपए फी किलो बढ़ा दी गई। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। शहरों ने हुकूमत से महंगाई कम करने के दावों के बजाय अमली इकदाम करने का मुतालबा कर दिया। ये हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इस हुकूमत की जो नज़रें हैं ना वो अपने सरकारी मुलाजमीन पर हैं, उसकी नज़रें गरीब पर नहीं है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ती जा रही हैं लेकिन गरीब को क्या फ़ायदा मिल रहा है, गरीब को क्या रिलीफ मिल रहा है? गरीब को तो कोई रिलीफ नहीं है। उसको तो दिहाड़ी वही है, 500 रुपये भी देते हैं, 600 रुपये में आटा लें, चीनी लें, घी लें, क्या लें। शहरों का मानना था कि शायद खुर्दनोश की कीमतें उनकी पहुँच से दूर हो चुकी हैं। हमारी अपील है इस गवर्नमेंट से कि कोशिश करें कि गरीब को रिलीफ देने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। सरकारी मुलाजमीन से के साथ साथ इनको भी अपने जो भी समझें, आवाम समझें, जो भी समझें उसके देख के महंगाई को कंट्रोल करें। बढ़ती महंगाई में दो वक्त तो क्या, बच्चों को एक वक्त की रोटी खिलाना भी मुश्किल हो गया। महंगाई को लगाम डालने की हुकूमतें कोशिशें फिलहाल नाकाम नजर आती हैं। हुकूमत दावों के बजाय महंगाई के खिलाफ अमली इकदाम उठाकर आवाम को रिलीफ फराहम करे। कैमरा टीम के हमरा सजाद हुसैन, रोही, उर्द शरीफ। मुल्तान में एयर कूलर की मांग बढ़ते ही कीमतों में इजाफा हो गया। गुज़श्ता साल 12,000 वाला कूलर
20,000 में दस्तयाब है। मज़ीद देखेंगे रमजान की रिपोर्ट में। मुल्तान में एयर कूलर की मांग बढ़ते ही कीमतों को पर लग गए। एयर कूलर महंगे दामों फरोख्त होने लगे। दुकानदारों के साथ खरीदार भी परेशान। शहरियों का कहना था कि गर्मी बहुत तेज है, घर के लिए एयर कूलर लेने आए हैं, लेकिन कीमतें बहुत ज्यादा हैं। कूलर बहुत महंगे हो गए हैं, गर्मी के लिहाज से गर्मी बहुत हो गई है। हम कूलर लेने के लिए आए थे, जो 15,000 ले आए हैं, जो कूलर पसंद आया वो अब 20,000 का हो गया, बहुत ही महंगे हो गए हैं। दुकानदार शेख अकरम हकीम का कहना था जो कूलर पहले 12,000 का था, इस सीजन 20,000 का हो गया है। रवां सीजन के दौरान कीमतों में 5 से 10,000 रुपए का इजाफा हुआ है। कूलर है, एसी है, फ्रिज है, पंखा है, जो भी बल्कि गर्मी के अलावा भी कोई आइटम है, वो भी अगर पिछले साल एक कूलर अगर 12,000 का था वो 20,000 का हो गया, तो 20,000 का था वो 33-34,000 रुपए का हो गया है। कूलर भी हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। हुकूमत को चाहिए कि वो इन पे नज़रसानी करे। मार्केट में ग्राहक आते हैं और कीमतें सुनकर परेशान हो जाते हैं। हुकूमत फौरी तौर पर खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाए। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। मियाँ चन्नू तो अब्दुल हकीम दोरोया सड़क की तामीराती काम को ब्रेक लग गई। 29 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर में मुसलसल ताखीर हो रही है। हुकूमत ने मनसूबे की तकमील के लिए 64 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए। इसके बावजूद इलाका मुकीनों को मनसूबा मुकम्मल होने का इम्कान नजर नहीं आ रहा। तफसीलात जानते हैं आसिफ खान न्याजी की रिपोर्ट में। मैं मौजूद हूँ इस वक्त मियाँ चन्नू टू अब्दुल हकीम वन वे मनसूबे पर। ये मनसूबा 2 साल से सुस्त रवि का शिकार है। आए शहरियों से पूछते हैं कि उन्हें किन मसाइल का सामना। मियां चन्नू तो अब्दुल हकीम वन वे रोड मनसूबा इलाके की तरक्की का जामिन है। इस सड़क की तामीर से मियां चन्नू और गिर्द नवा के लाखों लोग घंटों का सफर मिनटों में तय कर सकेंगे। मियां चन्नू से मोटरवे M3 सिर्फ चंद मिनट के फासले पर होगी। ये पुरानी ग्रांट थी, पुरानी स्कीम थी, हमारे दौर की थी, तो उसको मुकम्मल करवाने के लिए मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हमने कोशिश की और 64 करोड़ रुपया अब इसका रिलीज हुआ है। इस मंसूबे की प्रपोजल मुस्लिम लीग नून ने दी और इस पर इब्तदाई फंड तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने जारी किया और अब मुस्लिम लीग नून ने 64 करोड़ रुपए का फंड जारी करवाया है, जिस पर शहरियों ने सुख का सांस लिया है। मंसूबे में नाकस मटेरियल के इस्तेमाल की शिकायत पर भी इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की। मियां चन्नू टू अब्दुल हकीम वन वे रोड का मंसूबा है जो पिछले 2 साल से सुस्त रवि का शिकार है और ताहाल जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। मैं ये समझता हूँ कि ये ठेकेदारान और इंतजामिया की गफलत है, लापरवाही और ये नाहिली है उनकी कि इस रोड के मुकम्मल ना होने की वजह से शहरियों को मुख्तलिफ जो है एक साम की मुश्किलात का सामना। ये मंसूबा बहुत अच्छा है, इसे जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। हमें सारा दिन धूप और मिट्टी का सामना करना पड़ता है। हमारी ख्वाहिश है कि इसे जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। 2 साल से ये मंसूबा ताखीर का शिकार रहा और ये जो रोड है यहाँ से लाखों लोगों की जो गुजर का है और मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करूँगा कि इसका मटेरियल चेक किया जाए। नाकस मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पे साइन बोर्ड लगाया जाए और हिफाजती इकदाम यहाँ पे इस्तेमाल किए जाए ताकि किसी हादसा से बचा जा सके। शहरियों ने वन वे मनसूबे में ताखीर, मुसाफरों के लिए आगाही बोर्ड, मुतबादिल रास्ते का बंदोबस्त और पानी का छिड़काव ना करने पर तशवीश का इजहार किया है। जरूरत इस बात की है कि मुसाफरों की तकालीफ का ख्याल रखा जाए और ठेकेदार को मयारी मटेरियल के इस्तेमाल का पाबंद बनाया जाए। मनसूबे में नाकस मटेरियल के हवाले से इंतजामिया से नोटिस लेने और रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की अपील की है। कैमरामैन तला राजपूत के साथ आसिफ नियाजी, रोही टीवी, मियां चन्नू। मुजफ्फरगढ़ जिला इंतजामिया शहर में अभी तक बकरा मंडी लगाने में नाकाम। मुकामी व्यापारियों ने छोटे छोटे पॉइंट्स पर ही जानवर फरोख्त करना शुरू कर दिए। मज़ीद देखेंगे इस रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ में जिला इंतजामिया अभी तक बकरा मंडी नहीं लगा सकी। मकामी व्यापारी छोटे छोटे पॉइंट्स पर ही जानवर फरोख्त करने लगे। महंगाई से परेशान हाल शहरी कहते हैं कि छोटे से छोटा बकरा अभी तक 50,000 रुपए तक का मिल रहा है। बकरा मंडी ना लगने से मुश्किलात का सामना है, मंडी में जानवर अच्छा मिल जाता है। दूसरी तरफ व्यापारियों का कहना था कि चारा और दीगर अशिया भी बहुत महंगी हो चुकी हैं। इंतजामिया जल्द अज जल्द मंडी लगाए। ये मेरा बकरा जी 20,000 से लेके 50,000 तक रेशो है, उस ऊपर नहीं हमारे पास। ये हम 1 साल पूरा इनको पालते हैं सर, फिर उसके बाद अभी तक इंतजामिया ने कोई मंडी लगाई नहीं। हम घर के आगे बांध के बैठे हुए, कोई लेने वाला खरीदार नहीं है। जो आता है वो 40 वाले बकरे को कहता है ये 30,000 ले लो, 22,000 ले लो, 17,000 ले लो। हमें नाराजगी तो नहीं है उनसे।
शहरियों का कहना था कि इस साल छोटे जानवर खरीदेंगे क्योंकि बड़े जानवर तो पहले ही इनकी पहुंच से दूर हो चुके, मगर अभी तक मंडी ना लगने की वजह से मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। इंतजामिया से अपील है कि शहर के किसी करीबी इलाके में मंडी लगाएं ताकि इन्हें ज्यादा सफर न करना पड़े। दादा यहाँ पे मंडी लगी हुई है, यहाँ पे हम देखने आए हुए हैं, चाहे महंगाई की वजह से बकरे खरीद तो नहीं सकते। शहरियों ने शिकवा किया कि गुज़िश्ता साल मंडी शहर से दूर होने की वजह से भी खासी परेशानी रही। इधर जिला इंतजामिया का मौकफ है कि 2 से 3 रोज में मंडियां फाल कर दी जाएंगी। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोहित मुजफ्फरगढ़। मियांवाली में बकराईद करीब आते ही शहरियों के मसाइल बढ़ गए, गैस की कीमतें आसमान छूने लगी। इसी हवाले से मजीद देखेंगे अख्तर मजाज की रिपोर्ट। बकरीद करीब आते ही मियांवाली के बासियों की मुश्किलात बढ़ गईं, चारे की कीमतें आसमान छूने लगीं। शहरी कहते हैं घास की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। दुकानदारों से पूछें तो वो कहते हैं चारा पीछे से महंगा मिल रहा है, वो कैसे सस्ता फरोख्त करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत को घास की कीमतें कम करवानी चाहिए। मैं मकई गिनने वास्ते आया, मकई की कीमत 400 रुपए फी मन, और कहने कह मेरे मैं दूसर भी गिन गिनना दिन ब दिन जेड़े के जिम्मेदार लोग हैं ये अपनी डिमांड पक्की रखी पैन। मैं इन्हें नाल गल करे ना भाई यार गल है भाई कोई मेहरबानी करो, कोई थोड़ा पम सारे नाल तावन करो। दुकानदारों को कहना था कि जमींदार घास सस्ती देंगे तो वो भी सस्ती फरोख्त करेंगे। मकई का चारा 450, बाजरा 350, जबकि लूसन 800 रुपए मन फरोख्त हो रहा है। मजबूर है दुकानदार, सारा भी घास थोड़ा आंदा लेकिन इतनी बचत कौन है, 300 तो गिन के 350 दे दे पा, 300 भी तो मकई गिनया 400 तो दे दे पा, बिजली किराया वगैरह बहुत 500-600 तो गिन के 850-800 तो मान दे पा, ये कहू सानू भी बचत कौन है, सारा घा भी थोड़ा आता पी है, गिरने वाले भी बहुत मजबूर हैं, ये भी थोड़ा सा तावन की तवज। दुकानदारों ने बताया कि इन दिनों चारे की किल्लत के बायस कीमतें ज्यादा हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। ईद कुर्बा करीब आते ही शहरी ओलिया में मवेशी मंडियां सज गई हैं, जहाँ शहरी कुर्बानी के लिए मवेशी खरीदने में मसरूफ हैं। मजीद देखेंगे इस रिपोर्ट में। कुर्बान की आमद में चंद रोज ही बाकी हैं। मुल्तान में मवेशी मंडियों की तादाद में इजाफा होने लगा। हजूरी बाग रोड पर पुरानी बकर मंडी में भी जानवर की फरोख्त जारी। महंगाई के बाइस शहरी अभी सिर्फ जानवर देखने तक ही महदूद हैं। इस महंगाई से दुकानदार और खरीदार दोनों ही परेशान नजर आते हैं। पिछले सालों की निस्बत काफी महंगाई है, इस साल मटेरियल काफी महंगा हो गया, चीजें काफी महंगी, इम्पोर्ट के मामला भी आपके सामने जो जो जैसे हो रहे हैं, तो कस्टमर का रुझान काफी कम है इस साल ना हमारे साथ परचेजिंग का, ये जानवरों की सजावट के हवाले से। शहरी जानवर खरीदने के बाद बनाव सिंगार के लिए हार, घुंघरू और गानी ना खरीदें ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। शहरियों का कहना था कि जानवर खरीदने के बाद इनकी सजावट बहुत जरूरी होती है। दुकानदारों का कहना था कि इस मरतबा महंगाई की शरह गुज़िश्ता साल की निस्बत ज्यादा है। मरतबा जो है ना थोड़ा कम रेट था, अब तो आग लगा दी। हम हर साल की तरह इस साल भी जानवर को सजाने के लिए सामान लेने आए हुए हैं, और इस दफा बहुत महंगा माल मिल रहा है, और हम इस दुकान पे आते हैं हर साल। ईद कुर्बान पर इंतजामिया की तरफ से ताहाल कोई बकरा मंडी नहीं लगाई जा सकी। कैमरामैन वसीम रियाज और साथी रिपोर्टर शकील सुल्तान के हमरा हसन मलिक, रोही, मुल्तान। रहीमिया खान में प्रोफेसर मोहम्मद कलीम ने डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। आमिर भट्टी रिपोर्ट करेंगे। रहीमयार खान में ख्वाजा फरीद कॉलेज के शोबे पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर मोहम्मद खलील डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस तैनात। प्रोफेसर मोहम्मद खलील अपने ओहदे का चार्ज संभालने के लिए दफ्तर पहुंचे तो अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने फूलों के साथ उनका इस्तकबाल किया। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मोहम्मद खलील का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जिले में बतौर डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस तैनात होने पर दिली खुशी हुई। अफसरान और अमले के साथ पहली तारुफी मीटिंग हुई जिसमे अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। जिले के तमाम कॉलेजेस में तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त और मसाइल बारे आगाही हासिल है। जिले के कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर को तरजीही बुनियादों पर बेहतर करेंगे। जी सबसे पहले आपको मुबारक हो, और मैं ये समझता हूँ कि इस जगह काम करना एक भारी जिम्मेदारी है, और मुझसे पहले मैडम सादी इस काम को सर अंजाम दे रही थी और बहुत अच्छे तरीके से काम को कर रहे थे, सारी टीम बहुत अच्छी है, तो इंशाल्लाह जो भी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए होगा, कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगा, शहर के लिए होगा, तो तालीम का इंशाल्लाह मेयार पहले से कोशिश करेंगे मजीद उसको बेहतर किया जाए।
डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस ने इस अज़्म का इजहार किया कि तालीम की सहूलियात हर स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे ताकि बेहतरीन सहूलियात में तलबा और तालबात जेवर तालीम से आरास्ता हो सकें। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम खान। सेनेटर जाफर इकबाल, गुजरकार रहमान खान, अंजुमन ताजरान, सेक्रेटरी ट्रेड अहमद पर शानदार इस्तकबाल। ताजरान ने फूल निछावर की और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया। आसिम सिद्दीक रिपोर्ट करेंगे। सेनेटर व साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली जाफर इकबाल गुज्जर का सिटी अंजुमन ताजरान सेक्रेटरीट आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। ताजर बरादरी ने फूल निछावर इस्तकबाल किए। इस मौके पर साबिक एमपीए उमर जाफर गुज्जर, सिटी अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान और ताजर कसीर तादाद में मौजूद थे। सेनेटर जाफर इकबाल गुज्जर का कहना था कि छोटे ताजरों के मसाइल हल करने के लिए सिटी अंजुमन ताजरान का क्याम बहुत जरूरी था। ताजर खुद मजबूत होंगे तभी मसाइल हल होंगे। आज ये बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम हुआ है सिटी अंजुमन ताजरान का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो होते मामूली हैं लेकिन उनका मसले का हल करने के लिए बहुत अरसा लग जाता है। इंशाल्लाह ताला जाफराबाद मेरा घराना जो पिछले 40 साल से रीम जाकर खिदमत कर रहे हैं इंशाल्लाह इनके मसले हल कराएंगे। सिटी अंजुमन ताजरान के अहदेदारान का कहना था कि उन्होंने छोटे ताजरों की तंजीम बनाई है। ट्रैफिक, गैस, सीवरेज और बिजली के मसाइल हल करना वक्त की अहम जरूरत है। आज माशाल्लाह अंजुमन ताजरान सिटी की एक बहुत बड़ी कामयाबी। आज हमारे पास हमारे दफ्तर में चौधरी जाफर इकबाल गुजर साहब सेनेटर और साबका डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली तशरीफ लाए माशाल्लाह जी, और हमारे बाजारों के तमाम दुकानदार जितने जो अहदेदारान हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया माशाल्लाह जी। और हमने ये सिटी अंजुमन ताजरान तंजीम बनाई है छोटे छोटे दुकानदारों को जो मसाइल हैं उसके लिए बनाई है, और इंशाल्लाह ताला हम तम ताजरान जो है दुकानदारान हैं जो उनसे मिलकर उन लोगों के काम के उनके मसाइल देखेंगे इंशाल्लाह ताला जी। आज का जो प्रोग्राम था इसमें आज हमारे मेहमान खुसूसी जनाब चौधरी जाफर इकबाल गुजर थे, उनसे हमने जो सिटी अंजुमन ताजरान के जो मसाइल हैं शहर के ताजरों को, एक गैस का मसला है, दूसरा ट्रैफिक का मसला है, सीवरेज का मसला है, वो हमने इनके सामने रखे हैं और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि हम सिटी अंजुमन ताजरान के जो भी मसाइल ताजरों के हैं हम उनको भरपूर पहली फुर्सत में हल करेंगे। ये जो आज का प्रोग्राम हमारी सिटी अंजुमन ताजरान की तरफ से एक तकरीब मुनक़द की गई थी जिसपे हमारे मेहमान खुसूसी चौधरी जाफर इकबाल गुज्जर साहब थे और के साथ में खालिद शहीन साहब और बाकी बाजारों की जो नुमाइंदगी थी, ये इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो छोटे ताजरों के छोटे छोटे मसाइल थे कि जैसे कि बाजार में सीवरेज का और ये जो वापडा का, बल्दिया का, कोई ऐसे कोई किराएदारी और दुकान मालिक का मामला थे किराएदारी के, इसके हल के लिए ये हमने एक सिटी अंजुमन ताजरान तंजीम बनाई है और इंशाल्लाह ये जो सब हमें एक जज्बा भी था कि ये हम ना मिलकर काम करें। सेनेटर जाफर इकबाल गुजर का कहना था कि ताजर बरादरी के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। और अब आपको बताएंगे मुल्तान में रंगारंग समर शॉपिंग फेस्टिवल सजाया गया। फेस्टिवल में गर्मियों के मलबूसात, ज्वेलरी, मेकअप और बनाव सिंगार के दीगर सामान की नुमाइश की गई। मजीद देखेंगे सुहेरा तारिक की रिपोर्ट में। मुल्तान में बिजनेस करने वाली खवातीन के लिए एहसन इकदाम, कारोबारी खवातीन को बिजनेस प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए रंगारंग शॉपिंग फेस्टिवल सजा दिया गया। फेस्टिवल में गर्मियों के मलबूसात, ज्वेलरी और बनाव सिंगार के दीगर सामान की नुमाइश की गई। खवातीन की बड़ी तादाद ने शॉपिंग फेस्टिवल में शिरकत की। हाथ का काम करने वाली खवातीन, ठीक है, जो ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, जिन्होंने अपने न्यू प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट किए हैं या जिनका बिजनेस मिडिल लेवल तक पहुंच चुके हैं, वो सारी खवातीन हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। हम बेसिकली एक बिजनेस प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ठीक है, सबको ऑनलाइन काम करने वाली खवातीन जिनके अपने आउटलेट्स नहीं हैं, जिन्हें कोई प्लेस अवेलेबल नहीं है जहाँ उनको डायरेक्ट कस्टमर इंट्रैक्शन का कोई मौका मिल सके, तो उसके लिए हम लोग प्रॉपरली एक ये एग्जीबिशन का सेटअप हमने मुल्तान में न्यू स्टार्ट किया है। रमजान शरीफ में भी हमने रमजान बाजार के नाम से करवाया था। फेस्टिवल में शरीक खवातीन ने ईद के लिए खूब शॉपिंग की। हैंडमेड ज्वेलरी, कढ़ाई वाले मलबूसात, मेकअप के सामान वाले स्टॉल्स खवातीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। मैंने अपने कपड़ों का मतलब स्टॉल लगाया, ब्रांड्स के सूट है मेरे पास और हैंडमेड वर्क भी है कुछ, और मैं आउटलेट से कम रेट पे दे रही हूँ। जैसे अभी ये देखें लेटेस्ट मतलब 8790 प्राइस है इसकी, ठीक है, मैं ये 10% ऑफ में दे रही हूँ, ये मतलब जो अभी, और मैं स्टॉक वो लेके आई हूँ जो कि अभी मतलब आउटलेट्स पे मौजूद है और फुल रेट पे सेल हो रहा है। शॉपिंग फेस्टिवल में ऑनलाइन बिजनेस करने वाली खवातीन ने मुख्तलिफ स्टॉल्स पर अपनी मसनूआत फरोख की और ईद की खरीदारी पर खसूसी डिस्काउंट भी दिया। इस फेस्टिवल के जरिए खवातीन को न सिर्फ उनके ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट करने का एक मौका मिला है बल्कि यहाँ आकर दीगर खवातीन अपनी ईद की खरीदारी भी कर सकती हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान।
बावलपुर के नाम एक और एहसास। बावलपुर हॉकी के बाद कराटे में भी नेशनल चैंपियन बन गया। नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली खिलाड़ी सना कोसर की अबाई शहर आमद। डिविजनल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और कराटे एसोसिएशन ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। तफसीलात ताहिर जोए की रिपोर्ट में। जरा नम हो तो यह मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। कौमी खेल हॉकी के बाद भावलपुर ने एक और खेल में एजाज अपने नाम कर लिया। तहसील यजमान की कराटे प्लेयर ने नेशनल चैंपियन का टाइटल जीत लिया। क्वेटा में सजी नेशनल गेम्स में सना कौसर ने सोने का तमगा जीत कर भावलपुर का नाम रोशन किया। नेशनल कराटे चैंपियन सना कौसर का कहना था की मुस्तकबिल में भी अपने शहर का नाम बुलंद करती रहूंगी। हमें भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है और स्पेशल से शायद इन सारे में मामू ने जो हमें इतना सपोर्ट किया, हम लोग आगे गए हैं और मैं आर्मी से खेलती हूँ तो इस वजह से इन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आगे मैं इनका नाम रोशन करना चाहती हूँ। सना कौस्तर साउथ एशियन और सैफ गेम्स में भी सोने का तमगा हासिल कर चुकी हैं। डिवीजनल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और कराटे एसोसिएशन ने नेशनल कराटे चैंपियन का भावलपुर आमद पर शानदार इस्तकबाल किया। सना कौस्तर को फूलों के हार पहनाए गए और पत्तियां निछावर की गयी। जिले स्पोर्ट्स ऑफिसर का कहना था कि बच्चों को खेलों की तरफ मतवजा करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। पोटेंशियल को मजीद बढ़ाने के लिए कोचिंग एंड ट्रेनिंग कैंप्स का इनेकाद किया जा रहा है ये समर कैंप्स के नाम से। इसमें 4-5 गेम्स हैं तो इसमें 8 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक के बच्चे और बच्चियों के लिए कैंप वगैरह लगाए जा रहे हैं जो 2 सेशन पे होंगे। मेल के लिए सेपरेट सेशन है, फीमेल के लिए सेपरेट है। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।